सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करते रहें, जिससे हर अपडेट आपको मिलती रहे। उत्तर प्रदेश का 3 साल पूरा हुआ, जिसको लेकर प्रदेश सरकार का कार्यकाल विकास, विश्वास व सुव्यवस्था का रहा का दौरा। जिले के प्रभारी मंत्री पहुंचे श्रावस्ती, उन्होंने 3 साल के बारे में प्रेस वार्ता कर गिनाई अपनी उपलब्धियां। जनपद के प्रभारी मंत्री, राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति उत्तर प्रदेश रणबेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह तथा विधायक श्रावस्ती रामफेन पांडे, जिला अधिकारी यश रुस्तगी, पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अवनीश राय ने प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूरा होने के अवसर पर विकास को लेकर जिला मुख्यालय पर सुशासन के 3 नए वर्ष, भारत का नया उत्तर प्रदेश नामक पुस्तिका का विमोचन किया। प्रभारी मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं के लिए इस पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है। प्रत्येक पुस्तिका में भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ संबंधित जनपद और विधानसभा में संपन्न कराए गए कार्यों का विवरण दिया गया है। प्रभारी मंत्री ने भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों में के बारे में जानकारी दी और इसके साथ ही जनपद में कराए गए विकास कार्यों के बारे में भी बताया। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री जी ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है, केवल सावधानी बरतने की जरूरत है। और इस बीमारी का फैलाव संक्रमित व्यक्ति के द्वारा खांसने तथा छींकने एवं मुंह एवं नाक से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स के माध्यम से होता है। अतः लोगों को छींकते एवं खांसते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आप जागरूक हैं और स्वयं जागरूक हों तथा दूसरों को भी जागरूक करें। साथ ही साफ सफाई बनाए रखें, जिससे कि संक्रमण को रोका जा सके। उन्होंने कोरोना वायरस से बचाव ही इसका इलाज है पर विशेष ध्यान देते हुए बताया कि दिन में कई बार साबुन से 20 सेकंड तक भली भांति हाथ को धुलें, हाथ न मिलाएं, गले न मिलें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें तथा लोगों से 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अनावश्यक रूप से मास्क का प्रयोग न करें। जो इन्फेक्टेड है या जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है वो ही मास्क का प्रयोग करें। स्वयं जागरूक हों, दूसरों को भी जागरूक करें। साथ ही बताया कि आप पूरी नींद लें, मंदिर मस्जिद चल जाओ, गुरुद्वारे में जाएं, साथ ही धार्मिक कार्य करें, आज आप घर में ही करें। संक्रमित व्यक्तियों के छींकने से विषाणु सतह पर गिरते हैं, जहां पर उसकी साफ सफाई बात कर लें। और सड़क तो निश्चित ही वो बनेगी, वो उसका समय या कोई ऐसी दिक्कत है जिसके कारण से नहीं बन पाई है, बाकी वो इस साल निश्चित ही बन जाएगी। सड़कें पे तो मुख्यमंत्री जी का पूरा अभियान है, कोई भी सड़क ऐसी नहीं होगी जो गड्ढे युक्त हो। 72 करोड़ स्वीकृत हो गया, विधायक जी बता रहे हैं, तो इस साल वो बन जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने जिला अस्पताल में स्थापित कोरोना वार्ड का जायजा भी लिया। संयुक्त जिला अस्पताल भिनगा में स्थापित किए गए कोरोना वार्ड पहुंचकर वहां का जायजा लिया तथा सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने का निर्देश दिया। इस दौरान मंत्री जी को जिला अधिकारी यश रुस्तगी ने बताया कि अस्पताल में 6 बेड का कोरोना वायरस रोगियों के हेतु आइसोलेशन वार्ड में समस्त उपकरण व औषधियाँ उपलब्ध हैं। जिला स्तर रैपिड रिस्पांस टीम एवं ब्लॉक स्तर पर भी टीमों का गठन किया गया तथा बॉर्डर चेकपोस्ट एवं बॉर्डर से सटे गांवों का निरंतर भ्रमण टीमों द्वारा किया जा रहा है तथा लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। मंत्री जी के द्वारा प्रेस वार्ता की कुछ अंश आपकी स्क्रीन पर। इसके साथ ही उन्होंने जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड का निरीक्षण किया, साथ ही इंडो नेपाल बॉर्डर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक रामफेरन पांडे समेत कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इसमें जितने भी कार्य किए गए हैं वो आपको किताब उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको बता दूँ। 20 करोड़ की लागत का श्रावस्ती में एयरपोर्ट का निर्माणाधीन चल रहा है और 99 करोड़ की लागत का आपका जिला कारागार का निर्माण चल रहा है। 43 करोड़ रुपए का लगभग जनपद में न्यायालय निर्माणाधीन चल रहा है। 19 करोड़ 41 लाख का नवीन मंडी का निर्माण चल रहा है और 8 करोड़ का राजकीय महामाया पॉलीटेक्निक का निर्माण चल रहा है और 12 करोड़ का गौतम बुद्ध राजकीय पॉलीटेक्निक चल रहे हैं।
इस तरह से ये मैं मोटे मोटे काम आपको बता रहा हूँ। बाकी आपके पास से किताब है, जो भी 51 और भिंगा विधानसभा में कार्य किए गए हैं वो सारी चीज़ें हम उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता को जानने के लिए, सारे लोगों को जानने के लिए कि हमने श्रावस्ती में 51 और भिंगा विधानसभा में क्या क्या कार्य किए हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो किताब में उपलब्ध करा दी। लगातार जनता को जागरूक कर रही है, क्योंकि ये वायरस है और ये जागरूकता से ही ख़त्म किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक इसे रोकना संभव नहीं है। इसलिए सरकार जितना प्रयास कर रही है उतना मीडिया भी सहयोग सरकार का कर रहा है। इसके लिए मैं सरकार की ओर से और अपनी ओर से आप सबको धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से जनता को जागरूक करने के लिए आप सबने सरकार का सहयोग किया है जनता हित में। बॉर्डर में निपटने के लिए 3,371 लोगों का परीक्षण किया गया है। बॉर्डर के गांवों में जागरूकता का एक टीम बनाई गई है जो अभियान के तहत जागरूकता फैला रही है। और इस तरह से सुइया चेक पोस्ट बनाया गया है जहां से जो भी लोग आते हैं उनका सबका स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। और मुख्यालय पे जो है आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया गया है, जिसमें 6 वार्ड हमेशा तैयारी हालत पे रहेंगे और उनमें सभी दवाइयां और सभी डॉक्टर हर तरह से मुस्तैद मिलेंगे। जिला अस्पताल में कोरोना वायरस के लिए बनाए गए वार्ड का निरीक्षण करते मंत्री, विधायक, पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारी, साथ ही इंडो नेपाल चेक पोस्ट सुइया पहुंचकर वहां पर अंतर्राष्ट्रीय जनपद नेपाल से आने जाने वाले लोगों के चिकित्सीय परीक्षण हेतु स्थापित केंद्र का जायजा लिया गया तथा वहां पर तैनात जांच टीम और सुरक्षा बलों को निर्देश दिया गया कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय जनपद के नागरिक भारत में आते हैं उनकी सघन चेकिंग की जाए, जिसके बाद ही उनको यहां पर प्रवेश दिया जाए। इस अवसर पर पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा, विधायक रामफेन पांडे, जिलाधिकारी यशोस्तगी, पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अवनीश राय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एपी भार्गव, उप जिलाधिकारी प्रवेंद्र कुमार, ACMO मुकेश मातन हेलिया सहित सशस्त्र सीमा बल के अधिकारी आदि मौजूद रहे। कोई बहुत ट्रक नहीं है, खाली कोई मोटरसाइकिल पैदल।